We are going to enter in the new field. Kutzbach equation. तो माय डियर अभी अभी जो आपने इक्वेशन डिराइव की वो थी 3 L माइनस 1 माइनस 2 P1 माइनस P2. अभी आपको याद है मैंने आपको बोला था L इज इक्वल टू 2 P माइनस 4 J इज इक्वल टू 3 बाय 2 L माइनस 2. हमने इसको यूज क्यों नहीं किया था? क्योंकि नंबर ऑफ काइनामेटिक पेयर्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था, है ना? बोलो. तो माय डियर इसी तरीके से नंबर ऑफ पेयर्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है. तो सर कुट्सबैक चाहते थे आपका काम आसान करना, तो उन्होंने इस इक्वेशन को बहुत ही सुंदर रूप दिया जिसको पढ़ना बहुत आसान है, जिसको यूज करना बहुत आसान है. एंड माय डियर टू चेंज दिस ही हैज गिवन 4 to 5 years ऑफ हिज लाइफ. और 4 से 5 साल की लाखों मैकेनिज्म की ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने जो बातें कही वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं. उन्होंने कहा P1 कौन से पेयर्स हैं जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है. क्या एक टर्निंग पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है? बोलो. क्या एक टर्निंग पेयर और बाइनरी जॉइंट एक ही बात है? यस, ये बाइनरी जॉइंट भी तो है, टर्निंग पेयर भी है. तो उन्होंने कहा कि इस P1 को रिप्लेस कर दो नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट से. फिर उन्होंने कहा जो P2 है, P2 क्या है? ऐसे पेयर्स जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है. अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो आपको याद होगा एक लोअर पेयर नाम की चीज होती है जो टर्निंग पेयर होता है. लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1. हायर पेयर कितने लोअर पेयर के बराबर होते हैं? 2 लोअर पेयर्स के. तो अगर एक लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो हायर पेयर का 2. हायर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर माय डियर 2 है तो मैं आपको बता दूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 वाले पेयर्स को चेंज कर दिया उन्होंने नंबर ऑफ हायर पेयर से. और जैसे ही आपने चेंज किया इक्वेशन बन जाएगी 3 into L minus 1 minus 2J minus H. एंड माय डियर ये इक्वेशन इतनी सिंपल थी यूज करने में कि इस इक्वेशन को उन्होंने जब 4 से 5 साल के बाद दिया, मैंने आपको भले ही 5 मिनट में बता दी हो, बट उन्होंने जब लाखों मैकेनिज्म देख लिए, जब उन्हें तसल्ली हो गई कि हाँ हर जगह वैलिड है, तब उन्होंने दी. एंड माय डियर स्टिल दिस इक्वेशन वॉज फाउंड टू बी वैलिड फॉर 99% केसेस. और 1% केस में ये इक्वेशन क्या हो गई? क्लियर और नॉट? एंड माय डियर जिन 1% केसेस में फेल हुई, चांसेस हैं कि क्वेश्चन वहीं से आए. अब प्रश्न ये, आप बोलोगे सर वो 1% केस हमें कैसे पता लगेगा? तो माय डियर ऐसे 3 ही केस हैं जिनमें से एक पेपर में आ चुका है, 2 आने बाकी हैं. तो वो तीनों केस मैं आपको यहां बता दूंगा तो पेपर आउट है कि नहीं? 3 ही केस है, एक आ चुका है, तो वो तीनों मैं आपको दिखाऊंगा बोर्ड पर, तो उन 3 में से कोई एक आएगा. तो माय डियर ये है वो वंडरफुल इक्वेशन जिसके लिए कुट्सबैक को एक नंबर ऑफ अवार्ड से नवाजा गया था उस समय पर, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट था इसको यूज करना, जिसको उन्होंने बहुत सिंपल में कन्वर्ट कर दिया था. क्लियर और नॉट? और मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा बोलता हूं लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, 90% में ये बात वैलिड है, कुछ जगह पर वैलिड नहीं है. जैसे स्फेरिकल पेयर भी तो एक लोअर पेयर है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है. सिलेंड्रिकल पेयर भी तो एक लोअर पेयर है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है. तो कुछ ऐसी 3-4 एक्सेप्शन को छोड़ दो तो हर लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और हायर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एक हायर पेयर बराबर 2. तो हम जनरलाइज बातों को यूज करते हैं, 3-4 एक्सेप्शन, इट इज ओके. 90% जगह तो वैलिड है. और ये इक्वेशन कितनी परसेंट जगह वैलिड है? 99%. क्लियर है? और 1% एक्सेप्शन मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बना ले इसको.
हो गया भाई बोलो तो कुट्ज़बैक हैज चेंज द इक्वेशन इनटू अ वेरी वेरी सिंपलीफाइड फॉर्मेट P1 को किससे कन्वर्ट कर दिया उसने बाइनरी जॉइंट्स और P2 को हायर पेयर्स ठीक है क्यों कर दिया क्योंकि एक हायर पेयर दो लोअर पेयर और एक लोअर पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 तो हायर पेयर का 2 चलिए बढ़े आगे बोलो लिख ले कुट्ज़बैक कन्वर्टेड द इक्वेशन इनटू अ वेरी सिंपलीफाइड फॉर्मेट कुट्ज़बैक कन्वर्टेड द इक्वेशन इनटू अ वेरी सिंपलीफाइड फॉर्मेट Kutzbach converted the equation into a very simplified format and this equation was found to be valid. This equation was found to be valid for 99% cases. Some of them are as follows. Some of them are as follows. अच्छा पहली चेन कितने लिंक के साथ बनती है पहली काइनामेटिक चेन नहीं पहली चेन 3 के साथ तो माय डियर लिंक कितने हैं 3 ये एक बाइनरी जॉइंट ये दूसरा बाइनरी जॉइंट ये तीसरा तो बाइनरी जॉइंट्स 3 हायर पेयर 0 तो F क्या आ गया 3 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 इट इज 0 और इसको क्या नाम दे चुके हैं हम फ्रेम और स्ट्रक्चर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 है तो फ्रेम और स्ट्रक्चर और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 से भी कम है तो सुपर स्ट्रक्चर यही होगा फिर मैंने अगली चेन कौन सी बनाई थी 4 बार 1 2 3 4 लिंक है 4 एक बाइनरी दो बाइनरी तीन बाइनरी चार बाइनरी जॉइंट्स कितने हैं 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर 3 इनटू में 4 माइनस 1 माइनस 2 इनटू 4 दिस इज 9 माइनस 8 इट इज 1 एंड माय डियर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए आप बोलते हो दिस इज अ काइनेमेटिक चेन अगली चेन कौन सी थी यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब है कोई मोशन नहीं क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोशन ही तो बताता है या तो वेरिएबल या तो मोशन माय डियर यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब है एक इनपुट दोगे तो एक आउटपुट मिलेगी एक मोशन चाहिए बस इनपुट में एंड माय डियर यहां पर जब आप निकालोगे तो दिस इज 1 2 3 4 5 बाइनरी 1 2 3 4 5 लिंक भी 5 जॉइंट भी 5 हायर पेयर तो है ही नहीं f इज 3 * में 5 - 1 - 2 j इट इज इक्वल टू माइनस एच एच जे कितना है 5 एच है 0 तो माय डियर दिस इज 12 माइनस 10 इट इज 2 0 का मतलब है मोशन होगा ही नहीं 1 का मतलब है एक इनपुट दोगे तो एक आउटपुट मिलेगा 2 का मतलब है दो इनपुट दोगे तो एक आउटपुट मिलेगा मतलब अनकंस्टेंट चेन में ऐसा नहीं है कि आप रिलेटिव मोशन आपको कंस्टेंट मिल नहीं सकता आपको मिल सकता है बट यहां पर उसके लिए आपको एक इनपुट को कंट्रोल करना पड़ता था यहां पर आपको दो इनपुट को कंट्रोल करना पड़ेगा देन यू विल बी गेटिंग द आउटपुट एंड माय डियर इसीलिए मैंने आपसे कहा जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आए तो उन्होंने इन चेन को समझ लिया आखिर ये चेन चाहती क्या है ये चाहती है कि इनके एक नहीं दो लिंक्स को दो इनपुट को कंट्रोल किया जाए और दो इनपुट को कंट्रोल करना डेफिनेटली हमारे लिए एडवांटेजियस है क्योंकि एक इनपुट से हम सिर्फ एक आउटपुट ले सकते हैं दो इनपुट से हम बहुत सारी आउटपुट ले सकते हैं और अगर बहुत सारी आउटपुट ले सकते हैं तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना इसलिए माय डियर अनकॉन्स्टेंट चेन आर मच 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 बेटर देन द काइनामेटिक चेन जिस दिन डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता चला माय डियर इन्होंने इनको इतना पीछे छोड़ दिया कि आज ये स्ट्रगलिंग फेज में है एंड माय डियर दे आर नोन टू बी द किंग ऑफ चेन्स और इसका मैं एग्जांपल आपको प्रूव करके दिखाऊंगा जब हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पढ़ेंगे कि क्यों ये बेहतर है ठीक है मैंने आपको कुछ 5 क्वेश्चन कराए थे अभी आने के बाद ब्रेक के बाद वो 5 क्वेश्चन आप डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो
बस फर्क इतना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो, स्ट्रक्चर वन, चेन टू, अनकॉन्स्ट्रेंट। ठीक है भाई, तो दोस्त ऑल क्वेश्चन कैन बी सोल्व यूजिंग दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑल्सो। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बॉडी काइनामेटिक चेन है या वो अनकंस्ट्रेंट चेन है या वो फ्रेम और स्ट्रक्चर है, ये बताने के तुम्हारे पास कितने मेथड है? दो। अभी आपकी गलतफहमी दूर कर देते हैं, पहले नोट कर लें। हो गया है, लिख ले नोट डाल के। इफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज जीरो इट इज अ फ्रेम और स्ट्रक्चर। And if it is less than zero, it is superstructure. ठीक है, next लिखे। If degree of freedom is 1, it means we need one input. It means we need one input for desired output motion. It is a kinematic chain. Last point, if degree of freedom is 2, क्या मतलब है इस बात का? It means we need to control two inputs to get the desired output. Two inputs to get the desired output.
ठीक है क्लियर है। चलिए तो माय डियर मैंने आपसे कहा 99% केसेस में वैलिड है और 1% में नहीं है, तो लिख ले देर आर सम केसेस, बात नहीं, देर आर सम केसेस वेयर कुट्ज़बैक इक्वेशन इज नॉट वैलिड, इक्वेशन इज नॉट वैलिड। Some of them are as follows. पहले तो मैं आपको ये बताने से पहले एक और चीज दिखाना चाहता हूं, एक हायर पेयर मैकेनिज्म जो हमें पढ़ना है, एक ही है हमारे सिलेबस में और उसका नाम है कैम एंड फॉलोवर। ये लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 1। क्या आप इस बात को समझ पाए सारे फिक्स लिंक को वन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। तो माय डियर वन और टू के बीच में ये बाइनरी ज्वाइंट है, एक टर्निंग पेयर इज अ बाइनरी ज्वाइंट। टू और थ्री के बीच में एक हाइयर पेयर है पॉइंट कॉन्टेक्ट। थ्री और वन के बीच में फिर एक बाइनरी ज्वाइंट है, क्योंकि स्लाइडिंग पेयर को भी मैंने बाइनरी ज्वाइंट बोला था, याद आ रहा है। तो मैं क्या बोल दूं, लिंक कितने हैं 3, बाइनरी ज्वाइंट है 2, हायर पेयर है 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 3 × 3 − 1 − 2 × 2 − 1, दिस इज 6 − 4 − 1, इट इज 1। सो माय डियर इट इज अ मैकेनिज्म है, मैं बोल ही रहा हूं कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म है, तो ऑब्वियस सी बात है मैकेनिज्म किससे बनते हैं, काइनेमेटिक चेन से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आना चाहिए था 1, और होना भी चाहिए, आप जानते हो इसके रोटेशन के लिए इसका एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, होना भी चाहिए था और है भी। बट माय डियर यही इक्वेशन जब मैं इस पे लगाता हूं, ध्यान से देखना ये क्या है, रोलर फ्लोवर मैकेनिज्म तो वही है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां भी क्या आना चाहिए 1। बट माय डियर ध्यान से देखो, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4, लिंक नंबर 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है ना, ये एक पिन ज्वाइंट है, जहां हो सकता है उसको अलग लिंक मानूंगा। तो कितने लिंक है, लिंक है 4, बाइनरी ज्वाइंट ये टर्निंग पेयर 1, टर्निंग पेयर 2, स्लाइडिंग पेयर बाइनरी ज्वाइंट 3, ये कैसा है हायर पेयर 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं 3, 4 − 1 − 2j − h, 9 − 6 − 1, गलत है, आनी क्या चाहिए थी, कैम एंड फ्लोवर के हर अरेंजमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही होता है, 2 नहीं होता है। तो माय डियर कुट्ज़बैक समझ गए कि गलती की उन्हीं की है, अगर वो यहां पर बोल देते ना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा तो उनको इतनी गालियां पड़ती वो सहन नहीं कर पाते, वो जानते थे कि मैं ही गलत हूं और उन्होंने अपनी गलती को सुधारने के लिए एक कदम रखा और उन्होंने फील करना चाहा कि आखिर यहां गलती क्या हो रही है। तो उन्होंने देखा यहां पर एक लिंक 3 था और ये लिंक 3 जो रोलर है वो इसके अबाउट रोटेट कर सकता है और इसके अबाउट रोटेट करने से ना तो कैम की सेहत पे कोई असर पड़ेगा ना ही फॉलोवर की, मतलब इनपुट और आउटपुट के मोशन को अफेक्ट किए बिना ये मोशन पिक्चर में है, ये मोशन मैकेनिज्म में है, जबकि इनपुट और आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब इनपुट और आउटपुट से इस मोशन का कोई लेना देना नहीं है। तो जब मैकेनिज्म में ये मोशन है पर इसका कोई लेना देना इनपुट आउटपुट से नहीं है, तो माय डियर ऐसे मोशंस को कुट्ज़बैक ने नाम दिया रिडंडेंट मोशन, और उन्होंने कहा कि ऐसे मोशन अगर कभी मैकेनिज्म में हो तो उनको सबट्रैक्ट कर दो तभी आपको मिलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि माय डियर ये मैकेनिज्म में है पर इनका कोई यूज हो नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कैम और फॉलोवर घूमेगा तो ये बॉल घूमेगी, मैंने कहा ये बॉल घूम सकती है, ये मोशन हो सकता है, इसका यूज नहीं हो पा रहा तो ये फालतू मोशन हुआ ना, तो माय डियर फालतू चीज को हटा देंगे। तो उन्होंने कहा आपसे हमारी इक्वेशन ये है, अगर आप सही आंसर लाना चाहते हो तो आपसे हमारी इक्वेशन ये है 3L − 1 − 2J − h − fr, एंड माय डियर इस fr को उन्होंने बोला रिडंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या रिडंडेंट मोशंस इन अ मैकेनिज्म। तो माय डियर इतने तक का आंसर तो 2 आ चुका था ना, अब इस बॉल का एक ही तो मोशन है, रोटेशन जो हो सकता है
और कुछ थोड़ी करा सकते हो, अगर इस बॉल को ट्रांसलेट करोगे तो फिर फॉलोवर हिल जाएगा, कैम और फॉलोवर को हिलाए बिना कराना है मोशन, ऐसे को एफआर बोलेंगे। तो माय डियर रिडंडेंट कितने हैं, 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, गलती सुधर गई, यस। माय डियर 3 जगह पर कुट्ज़बैक को मुंह की खानी पड़ी, जिनमें से 2 में मॉडिफाइड कुट्ज़बैक ने उनकी इज्जत बचा ली, पर तीसरा केस ऐसा था कि वहां तो मॉडिफाइड कुट्ज़बैक के भी हाथ खड़े हो गए, और उस केस को बोलते हैं डबल पैरेललोग्राम लिंकेज, जो हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, उसका नाम कुट्ज़बैक पैराडॉक्स भी है, क्योंकि ना तो वो कुट्ज़बैक को मानती ना मॉडिफाइड कुट्ज़बैक को। क्लियर है? चलिए, सो दिस इज माय डियर वेरी फर्स्ट एक्सेप्शन, क्लियर है? ओके, चलिए बढ़े आगे। करें शुरू। एफ आर क्या है? रिडंडेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लिख ले। फॉर एक्सेप्शनल केसेस कुट्ज़बैक इक्वेशन वॉज मॉडिफाइड
For exceptional cases, Kutzbach equation was modified and the new equation is given the name of modified Kutzbach equation. Modified Kutzbach equation. Here FR is defined as redundant degrees of freedom or redundant motions in a mechanism. Okay. लिखे दोज मोशंस इन ए मैकेनिज्म विच आर पॉसिबल विदाउट अफेक्टिंग इनपुट और आउटपुट लिंक Without affecting input or output link are known as redundant motions. Next is second exception. ये दो पेपर में अभी तक नहीं आई है. ये जो है एक रेक्टेंगुलर ग्रूव है, ग्रूव या होल मान लो इसको, ऐसा है मतलब. ये भी रेक्टेंगुलर ग्रूव है. अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं यहां पे एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, चार लिंक, लिंक कितने हैं? चार. ये टर्निंग पेयर है, ये स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, तो ज्वाइंट कितने हो गए? चार. डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो वन आएगा. बट माय डियर, आपका दिल जानता है कि जैसे ही आप यहां पे मोशन दोगे इनपुट, तो ये वाला लिंक, ये जो रखा है ना, ऐसे रखा है. मैंने जो बोला है स्लाइडिंग पेयर मतलब ऐसा है, देखो एक रेक्टेंगुलर ग्रूव है ऐसा, ये सर्कुलर बना रहा हूं पर रेक्टेंगुलर है ऐसा, ऐसा दूसरा रेक्टेंगुलर, ये लिंक ऐसे रखा हुआ है उस पर, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, इनक्लाइंड. तो मुझे लगता है जैसे ही इस लिंक का मोशन होगा ये गिर जाएगा, और अगर ये गिर गया निकल के तो क्या आउटपुट दे पाएगा? जब आउटपुट मिला ही नहीं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आना क्या चाहिए था? जीरो. आ कितना रहा है? वन. इसका मतलब गलती है. क्लियर और नॉट? एंड कुट्ज़बैक ने इस बार फिर से लगा दी मॉडिफाइड. यस. अब देखो इसमें ऐसा मोशन कौन सा है जो बिना इनपुट के हो सकता है? तुम गए, तुम्हारा मन क्या ये ऐसे रखा हुआ था, इंक्लाइंड ऐसे रखा हुआ है, तुमने ऐसे इसको ऐसे रख दिया, ऐसे मार दिया, जैसे ही मारा निकल जाएगा ना, ना इनपुट हिला ना आउटपुट, मोशन हो गया कि नहीं. तो ऐसी मोशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिडंडेंट मोशन. और ऐसे मोशन को अगर हम रिडंडेंट मोशन बोलते हैं तो ऐसे मोशन को घटाना पड़ेगा ना, बोलो. तो एफ आर क्या हो गया? वन. अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर तुम निकालते यहां से तो ऐसे निकालते 3 × 12 − 1 − 2j − h. यहां तुम निकालते 3 × 4 − 1 − 2 × 4 − 0. इट इज 9 − 8 क्या आ जाता? 1. बट माइनस एफ आर 1 − 1 क्या आएगा? 0. आना भी क्या चाहिए? 0. ये सेकंड एक्सेप्शन है. बट आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है इसको, लाइक दिस. अगर ये ऐसे दे दे, क्या अब इसको ऐसे करने पे ये निकल जाएगा?
नहीं तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? वन नहीं आएगा, क्योंकि आई एफ आर क्या है? जीरो। वेरी नाइस, समझ गए ना? पक्का? वेरी गुड, मेक दिस। हाँ तुमने मेरी बात, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा गर्दन पकड़ने का, ठीक है? तुम्हें जितने साल अभी पढ़ते हुए हैं ना, उतने मुझे पढ़ाते हो गए। चलिए मेक दिस, क्या वो मन कर रहा है जाने के बाद? हो गया भाई, तीसरी एक्सेप्शन मैं आपको दिखाऊंगा चैप्टर के एंड में, वो पेपर में आ चुकी है, गेट 11 में पूछी गई थी वो, ठीक है? अब माय डियर मैं आपको बहुत खतरनाक चीज दिखाने जा रहा हूं। हाँ है? मोशन हो ही तो नहीं रहा, वही तो दिक्कत है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो है ना, तो मोशन ही तो नहीं हो रहा। मोशन हो रहा होता तो एफ जीरो क्यों आता? दोनों ग्रूव ही है, ग्रूव और होल कोई अलग चीज थोड़ी है। एफ आर ज्वाइंट तो सारे बाइनरी है, क्योंकि स्लाइडिंग पेयर बन रहा है ना। स्लाइडिंग पेयर को मैंने बाइनरी ज्वाइंट नहीं बनाया था। देखो बाइनरी ज्वाइंट में मैंने एक फिगर बनाया हुआ है ऐसा कि एक बाइनरी ज्वाइंट होता है बस, तो इसका मतलब है ना स्लाइडिंग पेयर इज अ बाइनरी जॉइंट। तो ये भी स्लाइडिंग पेयर है, ये भी तो स्लाइडिंग ही पेयर है, स्लाइड ही तो कर सकता है ये। पूरा एक ही तो है यार, ये पूरा लिंक इसका एक ही तो मोशन है, तो एफ आर दो थोड़ी हो जाएगा। हाँ अगर ये सर्कुलर होता जैसे इन्होंने बोला, अगर यहां पर मैंने रेक्टेंगुलर नहीं लिखा होता तो सर्कुलर होता तो फिर दो हो सकते थे, अभी तो एक ही हो सकता है, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर शाफ्ट रेक्टेंगुलर होल में घूम नहीं सकता, ठीक है? मिटो उसको, बोलो। चलिए माय डियर हेडिंग डाल लें ग्रुबलर्स क्राइटेरिया। ग्रुबलर्स क्राइटेरिया